प्यारे यातायात का साधन है, बल्कि मौका पड़े तो देश के दुश्मन जवानों तक पहुंचाने का भी सबसे सशक्त माध्यम है कि हमारे आने वाले समय में जब विकास की बात करेंगे, आज तो देवदर्शन की बात रहेगी, लेकिन भविष्य में इंडस्ट्री डलेगी और भी विकास होगा तो रेल की पटरियों के माध्यम से भविष्य में मिलेंगे, उसके माध्यम से ये पूरा क्षेत्र एक अलग दौर में जाएगा। मैं के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, यद्यपि मैं आया दर्शन का, लेकिन किशन रेड्डी जी ने कहा कि स्टेशन का भी आप मेरे को भूमि पूजन करना है। आने वाले मैं उम्मीद करता हूं शीघ्र अति शीघ्र यह स्टेशन भव्य बनेगा और बड़ी संख्या में यहां यात्री आएंगे, जिसके माध्यम से न केवल मिलेगी बल्कि बड़े पैमाने पर भविष्य के लिए रोजगार धंधे आप अपन सकते हैं। आने दो टेन्योर हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी के, एक टेन्योर हुआ उनका 14 से लेकर 19 तक का, उसके पहले का समय हम याद करें, मोदी जी के पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे देश हमारे से आंख नहीं मिलाते थे। की स्थिति क्या हुई है, वो पाकिस्तान जो हाथ दिखाता था, आतंकवादी हमले करता था, अब घर में घुस के मारने का किसी में आई तो भारत में मोदी जी के नेतृत्व में आई है कि हमारे लिए अपने, मैं यादव मित्रों के बीच में जानता हूं कि आपके बीच बात कर रहा हूं, अलग जोश आता है इस बात का। हम सब जानते कि 5000 साल पहले कौरव पांडव के बीच भगवान कृष्ण ने जो धर्म युद्ध के अपना दर्शन दिया था, वो गीता, पवित्र गीता हमको कर्म विषय और जीवन जीने का, अपने सम्मान के साथ जीने का, भारत की पताका भी फहराती है। भगवान कृष्ण के जीवन में जितने कष्ट, लेकिन प्रत्येक कष्ट में उनने सबसे लड़ना सीखा है, लड़ना नहीं सीखा है। हम सबको गर्व है हमारे अतीत के भगवान श्री कृष्ण, और अयोध्या के अंदर अभी अभी हमको मालूम है 22 जनवरी के दिन, बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारा सौभाग्य है भगवान राम के मंदिर में पड़ने के 500 साल के बाद ये सौभाग्य मिला है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, कि जहां पर हमारे अपने आराध्य के किनारे अयोध्या नगरी में भगवान अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, जितने दक्षिण भारत वालों पे लोग नाम रखते हैं, इतने तो उत्तर भारत में भी नहीं रखते हैं। आपकी जो इंटीग्रिटी है, आपकी हमारी जो आत्मीयता है, वो भगवान राम और कृष्ण की को लेके चलने वाली ही विशेषता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि संस्कृति कभी किसी को अपमानित करने वाली संस्कृति नहीं है। हम सर्वे ना सर्वे संतु निरामाया, दुनिया में सबका भला करने वाले लोग हैं, मानव संस्कृति का झंडा लेके जाते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरी दुनिया के नाते से जाने जाते हैं, लेकिन काल के प्रवाह में हमारा अंदर का पौरुष जगाने के लिए वर्तमान का नेतृत्व तो जो आया है, तो अयोध्या तो छोड़ो, अरब के अंदर भी भगवान के मंदिर का लोकार्पण नहीं हुआ आनंद के साथ। ये हमारा वर्तमान का समय है, हमारे अपनी संस्कृति पे गर्व करने के जो जो उपक्रम है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जारी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में विकास अपनी संस्कृति पे गर्व करते करते, और दुनिया आप देख रहे होंगे, दुनिया के अंदर एक तरफ हम उसमें ज्यादा दूर नहीं है इसराइल, लेकिन इसराइल का युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन वालों से, और पूरी दुनिया में इस युद्ध के बादल अलग प्रकार से दिख रहे हैं। पहले रूस में युद्ध चल रहा है, लेकिन हमने सबने देखा क्या यूक्रेन, क्या रूस, क्या इसराइल, क्या फिलिस्तीन, हमारे इतने भी आपस में लड़ने वाले लोग, लेकिन भारत के नेतृत्व का झंडा, मोदी जी का डंका, हमारा एक भी बच्चा अगर फंसा है तो डंके की लेके आ रहा है दोनों तरफ की सेना, हाथ जोड़ के कहते भैया हम आप करा सकते, आपके आदमी को आप ले जाइए,
भारत का जो सम्मान बढ़ा वो हमको गर्व और गौरव का मौका देता है। अभी आतिक जिनको फांसी की सजा दे दी कतर ने, कोई कल कर सकता कि अपने सैनिक को फांसी की सजा हो जाए और उनको बचा के लेके आ सकते। अभी हमारे लिए हमारे सामने ही हुआ है कि ना केवल आठों के आए बल्कि वो डंके की चोट भारत वालों के साथ गले से गले मिल करके कतर के जो राजा है सम्मान के साथ मोदी जी से कहा कि मोदी जी भारत और आपकी दोस्ती हमारी भले ही न्यायालय है उसने सजा दे दी लेकिन भारत के लिए ऐसा कर नहीं सकते। हमें गर्व है कि भारत वालों के साथ हम खड़े हैं। वर्तमान के दौर ऐसे कई मौके आएंगे। आज के अवसर पर मैं आज मेरे को मन में वास्तव में एक बार फिर धन्यवाद देने की इच्छा है। किसी जी आपको भी धन्यवाद देता हूँ, लक्ष्मण जी आपको भी धन्यवाद देता हूँ और जो रघुनंदन राव जी आपको भी धन्यवाद देता हूँ जिनके माध्यम मेरे को लग रहा था कि लेकिन तो आप मेरी भाषा नहीं समझते लेकिन नाम में जल्दी समझते। ये कौन सा राज है समझ में आ गया मेरे को। अब आप एक ही निमंत्रण देता हूं, मैं मध्य प्रदेश की धरती से आता हूं, आप सभा महाकाल के दर्शन का निमंत्रण देता हूं, आप सब आइए धूम जाइए। और जब से हमारी सरकार बनी मध्य प्रदेश में हमने प्रयास किया है कि सरकार चलाने में जनता का योगदान होता है और जनता का सम्मान ये सरकार के सम्मान के साथ जुड़ा रहता है, इसलिए जनता के हितैषी योजनाओं को चलाते हमने स्पष्ट संदेश दिया है कि सुशासन की स्थापना के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चलाएंगे। लेकिन हमारे जिन पे गर्व है जिनको हम सम्मान से देख भगवान कृष्ण जहां जहां उनके चरण पड़े वहां वहां बनाएंगे उनके देवस्थान बना करके हमारी संस्कृति पे मौका लाएंगे। और भगवान राम जहां चित्रकूट से लेकर जहां गए भगवान राम हो भगवान कृष्ण हो धार्मिक पर्यटन के हर स्थान को तीर्थ के रूप में बदलेंगे। उम्मीद करेंगे आने में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किशन रेड्डी जी और लक्ष्मण जी के साथ और हमारे रघुनंदन राव जी और हमारे भूरा नरहरिया गौड़ा सब मिलाकर के हमारा जो सांस्कृतिक एकता का भारत है तो लगातार मजबूत बनाएंगे। आप सबने प्रेम से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।